दोस्तों, हाल ही में कई ऐसे आर्टिकल पब्लिश हुए जिनकी मुख्य हेडलाइन में कहा गया कि अब 2000 या उससे ऊपर के UPI ट्रांजैक्शन करने के लिए 1.1% का चार्ज देना होगा, जो कि पूरी तरह फेक न्यूज है। रियलिटी ये है कि ये नया अपडेट UPI की जगह PPI यानी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के लिए है। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये PPI क्या है। देखिए, जब आप पेटीएम फोन पे जैसी एप्लीकेशंस का यूज करते हैं तो उसमें एक वॉलेट का ऑप्शन होता है, इसे ही PPI बोलते हैं। और जब आप पेमेंट भेजने के लिए वॉलेट का इस्तेमाल करेंगे तब ये 1.1% का चार्ज लगेगा, और वो भी जिसे आप पेमेंट करेंगे उस व्यक्ति पर। अब सवाल उठता है कि आखिर इस अपडेट से कितने लोग प्रभावित होंगे। देखिए, प्रेजेंट टाइम में देश की लगभग 40% आबादी डिजिटल पेमेंट का यूज करती है, और इनमें से 99.9% लोग UPI का इस्तेमाल करते हैं और मात्र 0.1% लोग PPI को इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि आम आदमी पर इस अपडेट का कोई असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।